तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है। देखिए ये लोगो, अब आप इसे अगर लगाएंगे अपने ब्लॉक पर तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको ये जो स्ट्रिप आते किनारे की, इनको कट कर देना है, ज़्यादा नहीं, इतना इतना काट दें। आप देखिए इसे आप अगर अपने ब्लॉक पर लगाएंगे तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत से लोग यार मुझे कमेंट पर या फिर मैसेज पर या ईमेल पर अपनी साइज भेजते हैं और बोलते हैं चेक करके बताओ भाई कि हमारी साइज देख अप्रूवल लायक है या अच्छे से डिजाइन है या कैसी है वेबसाइट। तो यार मैं काफ़ी टाइम से बिगनर्स जो हैं, जो न्यू ब्लॉगर हैं, उनकी साइजों को देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो उनके मुझे मैं वहाँ तो नहीं समझा पा रहा हूँ। तो बहुत लोगों को बोला भी कि आपका लोगो देखने सही है पर देखने में आपका जो ब्लॉग का टाइटल है वो देखने में सही नहीं लगता। जैसे कि आप कुछ स्क्रीन शॉट ये देख लीजिए, इन पर देखिए आपको ये जो लोगो इन लोगों लगा रखे हैं तो ये एकदम स्क्वायर में चार कोने का डिब्बा बन के रह गया है। बैकग्राउंड का कलर दूसरा है और इनका टाइटल का कलर दूसरा है, एकदम यार मैच ही नहीं कर रहा। जैसे आप मेरा देखिए, और जैसे मेरा ब्लैक कलर है तो देखिए आप मेरा देख लीजिए, एकदम मैचिंग हो रहा है और पूरा फुल डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा टाइटल दिख रहा है, देखने में एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने ये अलग से लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि टेम्पलेट पर ही पूरा डिजाइन है। तो आप लोग ऐसा लोगो कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर ये वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको दो तरीके बताऊँगा, पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताऊँगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप कैसे बनाएँगे अपने मोबाइल से। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं आपका काम हो जाता है, आप चले जाते हैं यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज यार आपको इसे कर रहा हूं, ऐसा तो लोगो बनाने के लिए, अपना टाइटल बनाने के लिए ये आपको पिक्सार्ट ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्ले स्टोर से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसे ओपन करते हैं। तो देखिए ये पिक्सार्ट ऐप ओपन हो रहा है, जैसे ही ओपन होता है तो मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको प्लस का आइकन मिलेगा। एक बात और, ये ऐप यूज़ करना एकदम फ्री है, आपको डाटा भी नहीं यूज होगा, एकदम सब कुछ पूरा काम फ्री में होता है। आपको डाटा भी ऑफ रखना है, वैसे आप ऑफ ही रखिए, नहीं तो यहाँ पर बार बार ऐड आते हैं क्योंकि मोनिटाइज है ये ऐड सॉरी ये ऐप, इसलिए तो आप डाटा ऑफ करके ही ऐसे ही ऑफलाइन इस पर काम कीजिएगा। तो अब बारी आती है, आपको इस तरह इंटरफेस मिलेगा, आपको यहाँ पर नीचे बहुत सारे कलर ऑप्शन मिलेंगे, पूरा काम यहीं पर है जो बहुत से लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखना है आपका बैकग्राउंड जहाँ पर आपका टाइटल शो होता है, जहाँ पर आप ये लोगो लगाते हैं, तो वहाँ पर आपका ब्लैक है या वाइट है। आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले पर इस तरीके से आपका ब्लैक है या वाइट। तो देखिए जैसे मेरा ब्लैक है ना, ये लेबल आप देख सकते हैं, ये पूरा लाइन मेरी ब्लैक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा ब्लैक लूँगा। और आपका अगर वाइट है तो आप वाइट लीजिए, और अगर किसी और भी कलर का है तो यहाँ से आपको वही कलर, आपको बस इतना समझ लीजिए कि जिस कलर का आपका वो हेडिंग जहाँ पर टाइटल दिखता है वो कलर कौन सा है लेबल के, ठीक है, वही कलर आपको चूज़ करना है। तो यहाँ से आप कलर ले सकते हैं अपना, ठीक। और ये वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा स्टेप बताऊँगा कि आपका कोई भी कलर हो आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो आप कैसे बनाएंगे। तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कि मान लीजिए, चलिए आपका ये लेवल का जगह जहाँ पर आपका लोगो लगेगा वो वाइट है, ठीक, तो मैं यहाँ से चलिए वाइट ले लेता हूँ, अगर आपका ब्लैक हो तो ब्लैक ले लीजिएगा, ब्लैक लेने के बाद, ठीक है। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पर पूरा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इतना ही चार कोने का ये पूरा स्क्वायर में, ठीक है, तो ये गलत है। तो इसकी वजह से आप ये डिस्प्ले पर देखिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर इतने में ही आप लिख डालते हैं तो आपके भी इसमें ऐसा चार कोने का डिब्बा बन जाएगा और पूरा का पूरा फुल मेरे जैसा फुल नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ये टूल्स पर जाना है, टूल्स पर जाएंगे, यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, क्रॉप पर जाने के बाद आपको ये पूरा का पूरा क्रॉप कर देना। देखिए ये लाइन आ गई पतली सी, हमें इसी की ज़रूरत है, ठीक, इस सिर्फ इतना आपको पूरा चिपका देना है जितना नीचे तक जा सकता है, ठीक है, बस इतना लिमिट है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे डन करेंगे, देखिए ये आ गई पट्टी, इसमें अब आपको लिखना है जो भी आपको लिखना है अपना नाम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलिए मैं अपना ही बना कर दिखाता हूँ आपको। तो मेरा जैसे है टेक ओनली 99, तो अब आप बड़े वर्ड रख सकते हैं या छोटे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। टेक ओनली 99, मैं ओ को बड़ा कर देता हूँ ताकि ओनली, ठीक, यहाँ से कर दिया मैंने डन, यहाँ से करेंगे डन। अभी ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, और ये ऐसा आपके साथ भी होगा दिखाई ना देने का कारण, तो यहाँ पर ये देखिए ये टिक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे ये दिखने लगता है, क्योंकि अभी वो हमें बॉर्डर चाहिए ना, तभी तो दिखाई देगा। तो देखिए ये मेरा हो गया, अब आपको यहाँ पर ए पर रहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको जो फॉन्ट अच्छा लगे आप उस पर रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कर देता हूँ, देखता हूँ जो अच्छा लगेगा, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा सही लग रहा है।
चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा ठीक। तो यहाँ पर केक ओनली, पर मैंने अपना जो लोगो बनाया हुआ है वो जो 99 है वो मैंने बॉक्स आपका देखिए, मैं अभी इससे 99 को हटा देता हूँ क्योंकि मैंने जो लगा रखा मैं सेम उस तरीके का बना के दिखा रहा हूँ ठीक है। डिज़ाइन तो यहाँ पर मैंने कर दिया केक, आपको बड़ा वर्ज रखना है, पूरी लाइन में टच कर दो, ऊपर नीचे टच होना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत जगह भी चलेगा तभी वो एकदम फुल दिखाई देगा ठीक है। तो यहाँ पर केक ओनली कर दिया मैंने। अभी आप पूरे वर्ज कैपिटल रख सकते हैं या स्मॉल रख सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो अभी आप बारी आती है इस पर कलर की, तो यहाँ पर कलर का ऑप्शन आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका ये जैसे मेरा वाइट है तो वाइट तो रहने नहीं दूंगा, कलर आपको डिफरेंट करना है, उसका अल्टरनेटिव करना है उल्टा, ब्लैक का वाइट, वाइट का ब्लैक, येलो। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चलिए येलो कलर, क्योंकि मेरा ब्लैक है तो येलो कलर काफ़ी हाई एकदम साइन मारेगा ठीक। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कलर के ऑप्शन पर, यहाँ से देखिए मैंने यहीं पर कलर कर दिया। अब ये बॉर्डर आप देखिए जितनी करनी चाहे उतना कर सकते हैं, मैं हल्की से करूँगा 20% कर दिया मैंने। अब यहाँ से डन कर दिया ठीक। अब मुझे 99 स्टाइल से लिखना है कुछ अच्छा ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है नीचे, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ये देखिए सेप मार्क, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए। यहाँ पर फिर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको ब्लैक, पहले यहाँ से कलर लेना है, देखिए यहाँ से हमने कलर ले लिया, देखिए आपको जो कलर करना है ब्लैक नहीं करना, तो चलिए कोई बात नहीं रेड कर देते हैं इसे, 99 को रेड कर दिया, देखिए रेड कलर हो गया पूरा यहाँ पर। अब हम हाँ यहाँ पर अब ये रेड हो गया, इसको देखिए डार्क कर सकते हैं, इतना सही लग रहा है, यहाँ पर डन कर दिया। मेरा गोला ये थोड़ा छोटा हो गया, मुझे ये टेक्स्ट छोटे रखने थे, पर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपना दिमाग लगाइए कुछ और अच्छा बनेगा आपसे। यहाँ पर कर दिया मैंने सॉरी, यहाँ पर हो गया 99। फिर टी पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट पर चलेंगे, देखिए अभी मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ, 99 को भी येलो कर देता हूँ ताकि मैचिंग मैचिंग हो जाए। तो ये भी हो गया, अब यहाँ से हम इसे डन करेंगे, तो ठीक है इतना काम हमारा हो गया डन। अगर मैंने ये टेक्स्ट और छोटे किए होते तो यहाँ पर मैं अभी कुछ अच्छी सी एक लाइन लिख सकता था नीचे, जैसे कि आप ये डिस्प्ले पर देख सकते हैं मैंने पहले लिख रखा है, पर कोई बात नहीं आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा ठीक है। तो आप डिस्प्ले पर देख लीजिए इस तरीके से डिज़ाइन किया था मैंने यहीं से। अभी आपकी ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आया है अब इसको हमें यहाँ से क्रॉप कर देना है दोनों तरफ का बराबर देखकर ठीक। अब यहाँ से डन, तो देखिए आपका लोगो ये रेडी है, इसे आप अपने ब्लॉक पर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी एरर नहीं आएगा, पूरा फुल शो होगा और सेम टू सेम आपका बैकग्राउंड, बस आपको देख लेना किस कलर का है। अब इसको आप यहाँ से सेव करेंगे, तो यहाँ से आप जाकर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आराम से सेव करेंगे। अब बारी आती है मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा, तो यहाँ पर सेव पर नहीं क्लिक करना हमें ठीक है, यहाँ पर शेयर पर आपको क्लिक करना है। शेयर के बाद यहाँ पर गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, गैलरी पर आपको सेव करना है ठीक। तो चलिए आपको सेव करने के लिए, चलिए मैंने देखिए सेव हो गया गैलरी। दूसरे तरीके में आपको बैकग्राउंड लेना ही नहीं है ठीक है, आपका किसी भी कलर का बैकग्राउंड हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्लैक हो वाइट हो रंगीन हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये लेना है। ये देखिए ये यहाँ पर है फर्स्ट नंबर पर इस तरीके का, देखिए अगर आप यहाँ पर अपना लोगो बनाएंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट बनेगा, आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है अपना ठीक है। तो टेक्स्ट अभी पहले हम इसे भी क्रॉप करेंगे, इसके लिए जाना है टूल्स पर, क्रॉप पर, क्रॉप के बाद ये पूरा ट्रांसपेरेंट बनेगा ठीक है। इसको भी सेम उसी तरीके से पूरा छोटा कर देना है, यहाँ पर आना है। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बस अब आपको पूरा कलर का ध्यान आपको टेक्स्ट पर रखना है। अगर आपका लोगो लेबल की जगह पर जहाँ पर आपका लोगो लगेगा वो ब्लैक है तो आपको वाइट या येलो कुछ उल्टा लेना है, जो उस कलर से मैच उल्टा हो पूरा। अगर वाइट है तो ब्लैक करो, रेड करो, डार्क कर दो अगर वाइट जगह है तो इस हिसाब से। तो जैसे मान लीजिए आपका वाइट है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख दिया ठीक, डन करते हैं इसे। मैंने यहाँ पर ये लिखा, आप कोई फॉन्ट देख लेता हूँ, ये पूरा ट्रांसपेरेंट है इसलिए देख लीजिएगा, ऊपर यहाँ तक मैंने इसे सेट कर दिया ठीक है। इसके बाद यहाँ से मैं इसे डन कर देता हूँ, देखिए अगर आपका ब्लैक है वहाँ पर तो वाइट ले लीजिएगा तो वह ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा। अब इसके बाद कुछ लाइन देनी हो तो जैसे ब्लॉगिंग की जानकारी, जैसे मैंने कर दिया ब्लॉगिंग की जानकारी हिंदी में। अब आपको इसके लिए ये वाला टेक्स्ट लेना है, ये बहुत अच्छा लगता है देखिए,
कहती हूँ मोनो, ठीक, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे वर्ड में लिख देता है कुछ भी, और इसको आप अच्छे से यहाँ पर कहीं एडजस्ट कर लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा दिखाई देगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है, देखिए ये लोगो। अब आप इसे अगर लगाएंगे अपने ब्लॉक पर तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको ये जो स्ट्रा पार्ट है किनारे की, इनको कट कर देना है, ज़्यादा नहीं, इतना इतना काट दें। अब देखिए इसे आप अगर अपने ब्लॉक पर लगाएंगे तो कितना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर ब्लैक है तो व्हाइट में लिख दीजिए, व्हाइट है तो ब्लैक कर लो, रेड कर लो या ब्लू कर लो। अब इसे भी चलिए हम सेव कर लेते हैं, देखिए आपको कितना अच्छा दिखाई देगा। तो आपको बस यही करना है, आप लोग गलती मत कीजिए, अच्छे तरीके से बनाइए एकदम देखने में कि काफ़ी। फिर यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, देखिए ये भी सेव हो गया, ठीक। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे यार, सपोर्ट करो।